Hello, students, and welcome back to the another part of uh, chapter number five after thirty years. So yesterday uh, we had discussed up to here, and today I will explain uh, from here only. So let's get start. Yes, it has. I only hope that it is the same for Rakesh. Ha, mehre liye kya tha ki Delhi. Uh, सक्सेस सॉरी मुंबई जो है वो मेरे लाइफ में सक्सेस ले आई थी एंड यस इट हैज़ आई ओनली होप दैट इट इज़ द सेम फॉर राकेश और मैं ये आशा करता हूँ कि ऐसा राकेश के लिए भी हुआ होगा आई विल गेट गोइंग बेस्ट ऑफ लक फॉर द मीटिंग विथ योर फ्रेंड विल यू लीव इफ योर फ्रेंड डज नॉट टर्न अप आई विल गेटिंग गेट गोइंग मैं अब मैं जा uh, जा रहा हूँ ठीक है बेस्ट ऑफ़ लक फॉर द मीटिंग विद योर फ्रेंड तुम्हारे अपने दोस्त के साथ मीटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक विल यू लीव इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट टर्न नाट टर्न अप अगर uh, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे अगर तुम्हारे दोस्त यहाँ पर नहीं आया तो नो आई विल एटलीस्ट वेट फॉर हिम टिल मिड नाइट नहीं मैं uh, मैं कम से कम आधी रात तक उसका वेट करूँगा गुड नाइट सेट द पुलिस एंड वॉकड अवे ट्राइंग डोर्स एंड विंडोज एज ही वेंट ठीक है तो फिर उसने क्या बोला गुड नाइट पुलिस मैन ने बोला और वो फिर चला गया क्या करते हुए दरवाजे और खिड़कियों को चेक करते हुए द इंटेंसिटी ऑफ द फॉग एंड द कोल्ड इंक्रीज धीरे धीरे क्या है कि ठंड और जो uh, कोहरा था वो वो घना होते मतलब तो वो गहरा होते जा रहा था वो बढ़ते जा रहा था द नंबर ऑफ द पीपल ऑन द स्ट्रीट डिक्रीज और क्या हो रहा था धीरे धीरे जो नंबर थे लोगों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी इन ऑल दिस अ मैन केप्ट स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ दैट ढाबा दैट हैड क्लोज्ड वेटिंग फॉर अ फ्रेंड हु माइट नॉट कम लेकिन इस बीच क्या था वो आदमी वहीं पे खड़ा था जहाँ पे कि वो ढाबा एक समय पे हुआ करता था तो जो कि अब बंद हो चुका था वेटिंग फॉर अ फ्रेंड वो अपने दोस्त का वेट करते हुए वे, कर रहा था जो कि शायद लग रहा है कि नहीं आएगा एट एलेवन फोर्टी फाइव अ शॉर्ट मैन इन अ लेदर जैकेट केम वॉकिंग स्लोली टूवर डेज वेटिंग मैन लगभग रात के ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट में एक शॉर्ट एक हाइट uh, में थोड़ा छोटा सा एक आदमी लेदर की जैकेट पहने उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा इज़ देट यू बब्लू क्या ये तुम हो बबलू इज़ देट यू राकेश तो Uh, वो वेटिंग जो पर्सन था ये उसने उससे पूछा क्या ये तुम हो राकेश द मैन इन द लेदर जैकेट हक द वेटिंग मैन जो लेदर पहना हुआ था जैकेट लेदर का जैकेट पहना हुआ था उस आदमी ने जो आदमी वेट कर रहा था उस आदमी को क्या किया हक कर लिया इट इज़ राकेश ये मैं हूँ राकेश वेलकम बैक टू दिल्ली तुम्हें दिल्ली में तुम्हारा क्या है स्वागत है इट हैज़ बीन थर्टी ईयर्स बोथ ऑफ अस आर अलाइव लाइफ तीस सालों बाद भी हम हम दोनों जो है वो जिंदा है द ओल्ड हवा हैज़ क्लोज जो ये पुराना ढावा था ये अब बंद हो चुका है कम ऑन वी विल गो समवेयर एंड हैव डिनर चलो हम कहीं चलते हैं और वहाँ जाके डिनर करते हैं हाउ वॉज़ मुंबई बीन तुम्हारे लिए मुंबई कैसा रहा इट गेव मी एवरी थिंग आई आस्क फॉर मैंने मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया जो भी मुझे चाहिए था आई हैव चेंज राकेश मैं बदल चुका हूँ राकेश आई ऑलवेज इमेजिन यू एज अ टॉल पर्सन मैंने तुमको हमेशा कैसा इमेजिन uh, किया मैंने हमेशा तुमको एक टॉल पर्सन के रूप में इमेजिन किया मैंने जब भी, भी तुम्हारे बारे में सोचता था कैसे सोचता था कि तुम तो एक लंबे पर्सन uh, हो गए ओह आई स्टॉप्ड ग्रोइंग आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ ट्वेंटी ओ जब मैं बीस साल का था तब मैं बढ़ना मतलब आ, मेरी जो लंबाई थी वो वहीं पे रुक गई थी हाउ आर थिंग्स गोइंग फॉर यू राकेश तुम्हारे लिए चीज़ें कैसे रही राकेश एक्सीलेंट राकेश ने राकेश ने बोला एक्सेलेंट आई एम वर्किंग फॉर द डेली पुलिस मैं अब जो है डेली पुलिस के लिए काम करता हूँ कम ऑन बबलू वी विल गो टू अ स्मॉल रेस्टोरेंट अराउंड द कॉर्नर एंड हैव डिनर तो उसने राकेश ने फिर कंटिन्यू करते हुए बोला कि चलो बबलू हम क्या करते हैं छोटे से रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहाँ पे चल के जो कि कॉर्नर में है और वहाँ चल के डिनर करते हैं वी विल शेयर स्टोरीज वाई लिटिंग हम खाते खा, खाने के साथ साथ बातें भी करेंगे दे कंटिन्यूड वॉकिंग टूगेदर शेयरिंग स्टोरीज फ्राम देयर लाइफ ठीक है तो वो क्या कर रहे थे वो उन्होंने अपनी जो कहानियाँ थी आ, वो साथ साथ चलने लगे और अपनी वो साथ में आ, जो है वो एक दूसरे से शेयर करने लगे उन अपनी ज़िंदगी की एंड द कॉर्नर देयर वॉज अ ब्राइट लाइट बोथ द फ्रेंड्स लुक एट ईच अदर्स फेस एक कॉर्नर में एक ऐसा जगह आया जहाँ पे कि क्या था बहुत तेज़ रोशनी थी और इस रोशनी में उन दोनों दोस्त ने एक दूसरे को देखा एक दूसरे का फेस देखा बबलू सडनली स्टॉप्ड। बबलू जो कि वेट कर रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग उस वो क्या हुआ वो अचानक से रुक गया यू आर नॉट राकेश ही हैड मोल अबव हिज लेफ्ट आईब्रोज तुम राकेश नहीं हो राकेश के तो लेफ्ट uh, आईब्रोज मतलब बाएं तरफ जो बहुत ही उसके ऊपर एक तिल था यू आर अंडर अरेस्ट बबलू डेली पुलिस हैड इन्फॉर्मेशन दैट यू विल बी कमिंग टू डेली तुम्हें क्या किया जाता है तुम्हें अरेस्ट किया जाता है तुम्हें पकड़ा जाता है बबलू दिल्ली पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि तुम क्या हो रहा है तुम, तुम दिल्ली आने वाले हो तुम विल यू कम विथ दस क्विटली क्या तुम शांति से हमारे साथ चलोगे दैट विल बी बेटर बिकॉज ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि देयर आर टेन अदर प्लेन क्लोथ पुलिस इन द एरिया ठीक है क्योंकि सादे कपड़े में दस और आ, पुलिस मैन इस एरिया में घूम रहे हैं बट फर्स्ट रीड दिस लेटर इट इज़ फ्रॉम अ पुलिस मैन नेम्ड राकेश लेकिन तुम जो है इसके पहले इस लेटर को रीड करो इस लेटर को पढ़ो जो कि किसके द्वारा किस किसके द्वारा किस, किस लिखी गई है एक पुलिस मैन है जिसका नाम राकेश है जो कि उसका असली फ्रेंड रहता है उसके द्वारा लिखी गई है इस लेटर को पढ़ो बबलू ओपन द लेटर हिज हैंड वर शेकिंग एज ही रीड इट बबलू ने बबलू ओपन द लेटर बबलू ने क्या किया लेटर को ओपन किया और उसके हाथ जो है वो शेक कर रहे थे उसके हाथ काँप रहे थे जब वो लेटर को पढ़ रहा था बबलू आई केम टू द प्लेस ऑन टाइम बबलू मैं जो है उस जगह पे समय से पहुँच गया था बट वेन आई लुकड यू जब मैंने तुमको देखा आई सॉ अ पर्सन वॉन्टेड बाई द पुलिस मुंबई पुलिस मैंने उस आदमी को देखा जो कि पुलिस के द्वारा खोजा जा रहा है आई कुड नाट अरेस्ट यू एंड आई एंड आई कुड नाट फेस यू मैं तुमको अरेस्ट भी नहीं कर सकता था और ना ही मैं तुमको फेस कर सकता था मैं तुम तुमसे मिल सकता था फेस कर सकता था मतलब मैं तुमसे ना कि तुमसे मैं मिल सकता था सो आई वेंट अवे एंड आस्ट अनादर पुलिस मैन टू 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 डू द जॉब इसलिए मैं वहाँ से चला गया और आ, मैंने ये काम दूसरे एक पुलिस मैन को करने के लिए बोल दिया राकेश अडॉप्टेड फ्राम आफ्टर थर्टी ईयर्स बाई ओ हेनरी ठीक है ये जो स्टोरी अभी हमने पढ़ा ये एक नावल है एक बुक है जो कि ओ हैंनरी ने लिखी है आफ्टर थर्टी ईयर्स उसके ऊपर ही ये लिखा हुआ है ओके